हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शालिनी। घर के खाने में स्वागत है आपको। आज मैं बचे हुए चावल से डोसे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। ये मैंने एक कटोरी चावल ले लिए हैं, ये मेरे रात के चावल हैं, तो मैंने ये इससे ही डोसा बनाकर तैयार करेंगे। अब इधर मैंने मिक्सी जार ले लिया है, मिक्सी जार में मैंने ये चावल डाल लिए हैं। अब आधी कटोरी मैंने सूजी ली है, सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, बारीक मोटी। और आधी कटोरी ही मैंने दही लिया है, दही आपका खट्टा है तो कम कर सकते हैं, अगर दही आपका फ्रेश है तो एक आधी कटोरी। इधर मैंने दो हरी मिर्च ले ली हैं, जो मैंने टुकड़े कर लिए हैं, और मैंने कुछ धनिया पत्ती ली है, एक अदरक का टुकड़ा लिया। अब इसमें थोड़ा आधी कटोरी ही मैं पानी डालूँगी। अब मैं इसे पीस लूँगी। देखो, इस तरह मैंने खूब बारीक से पीस कर तैयार कर लिया है ये डो मैंने। अब इसके बाद मैं इसे रेस्ट पर छोड़ दूँगी और बहुत ही नई तरह की चटनी बनाकर तैयार करेंगे, जो आज से पहले आपने खाई नहीं होगी। अब इसके लिए मैंने धनिया की पत्ती ले ली है कुछ, और मैंने तीन हरी मिर्च ली हैं, जो मैंने तोड़कर डाल दी हैं, और चार मैंने लहसुन की कलियां ली हैं, और एक अदरक का टुकड़ा लिया है, और एक ये टमाटर लिया, ये भी मैं काट कर ही डालूँगी। इस तरह टुकड़े बना लिए हैं। और मैंने दो चम्मच ये मूंगफली के दाने लिए हैं, ये मैंने पहले ही भून कर तैयार कर लिए हैं। और मैं दो चम्मच दही लूँगी। जब हम डोसा बना रहे हैं तो साउथ इंडियन हम चटनी भी बनाकर तैयार करेंगे। अब मैं इस चटनी को पीस लूँगी। इधर कढ़ाई मैंने गैस पर रख दी है, और इसमें दो चम्मच मैंने ऑयल लगा लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें एक चम्मच मैंने राई लगा ली है, और एक चम्मच चना की दाल डाल ली है। इसे भी हम भूंज लेंगे। आप इसमें उड़द की दाल भी डाल सकते हैं। अब इधर मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है, ये सारे मेरे भूंज गए हैं। अब मैंने जो चटनी बनाकर तैयार करी है वो इसमें तड़का लगा दिया। अब मैं थोड़ी देर इसे चटका लूँगी, और साउथ इंडियन चटनी हमारी बनकर तैयार है। इधर मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया है, और पानी में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है, इसे भी मैंने मिलाकर तैयार कर लिया। अब ये हमारा डो रेस्ट कर लिया है, अब मैं इसे मिला लूँगी। हल्का सा पानी मैंने और डाल लिया है, अभी हमें इसे फेंटना है, उसके बाद हम देखेंगे इसमें हमें पानी कितना डालना है। पानी मैंने आधा चम्मच और डाल दिया था, आधा चम्मच नहीं, आधा कटोरी। अब इसे में मैंने हल्का सा नमक डाल लिया है स्वाद अनुसार, और मैंने इसे फेंट लिया है। अब इसमें पानी देखो और डाला है मैंने। इस तरह मैं पानी मिलाकर इसे खूब फेंट लूँगी अच्छी तरह से। अब मैंने इधर एक इनू ले लिया है, इस इनू को मैं इसमें डालूँगी। मैंने पूरा एक इनू डाला है, इससे हमारा डोसा बहुत अच्छी तरह फूलकर तैयार होगा। अब मैं इसे खूब अच्छी तरह मिला लूँगी। इस तरह खूब फेंट कर तैयार कर लूँ। इधर मैंने तवा गरम कर लिया है, तवा पर मैंने थोड़ा पानी डालकर कपड़े से पोंछ लिया है, और थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला, थोड़ा सा मैंने पानी डाला। इस तरह मैंने तवा तैयार कर लिया है पोंछ कर। अब हमें इस तरह इसे फैला लेंगे, बहुत अच्छा हमारा डोसा बनकर तैयार होगा। अब इसे मैं सिकने तक दिखाऊंगी। ये हमारा नीचे से सिकने लगा है, हल्का हल्का ब्राउन सा होने लगा है। इस पर मैंने एक चम्मच देसी घी लगा दिया है, इससे हमारे डोसे में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हमारा डोसा देखो कितना अच्छा क्रिस्पी बनकर तैयार हो गया है, बहुत अच्छा सिक कर तैयार हुआ है। इसी तरह अब मैं पलट लूँगी और उठाकर सारे बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये मेरे सारे डोसा बनकर तैयार हो गए। इधर मैंने चटनी भी साउथ इंडियन बना रखी है, और ये टमाटो केचप। इस तरह से अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।